अमृतसरी वड़ी बनाना बता रही हूँ। अमृतसरी वड़ी एक लड्डू के रूप में आती है, जिसको मैंने छोटा तोड़कर टुकड़े कर लिए हैं। और ये बहुत ही कम यूज़ होती है क्योंकि बहुत स्पाइसी होती है। इसके लिए हमें चाहिए 3 प्याज, 2 टमाटर, 1.5 इंच टुकड़ा अदरक, 3 से 4 कलियां लहसुन। तो इन्हें ग्राइंड करके मसाला बना लेते हैं। तो हमने इसे मसाला बना लिया है। इस मसाले के साथ हमें चाहिए 2 बड़े आलू, 1 से 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 3/4 चम्मच काली मिर्च। मैंने ये काली मिर्च बहुत कम ली है क्योंकि अमृतसरी बड़ियाँ अपने आप में बहुत स्पाइसी होती हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए ऑयल। तो पहले तेल गरम कर लेते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले इन बड़ियों को तलेंगे। इसी ऑयल में हम इसे तल लेंगे। इसके लिए अलग से ऑयल गरम करने की आवश्यकता नहीं। मीडियम आंच पर तलें और लाल होने तक तलें। ज़्यादा तलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, इन्होंने अपना रंग चेंज कर लिया और ये लाल रंग की हो गई। अब इसे हम फौरन निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम अपना ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे। इस मसाले में हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 3/4 चम्मच काली मिर्च। आप इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला हमारा भूनके तैयार है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तली हुई बढ़िया। इसे हिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2.5 से 3 ग्लास तक पानी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और 4 से 5 विसल में हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आइए कुकर खोल के देखते हैं। सब्जी हमारी बनके तैयार है। आप चाहें तो आलू के बड़े टुकड़ों को मैश भी कर सकते हैं। इस सब्जी जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये आपकी अमृतसरी वड़ी की सब्जी तैयार है। इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। थैंक यू।